तुम्हें क्या लगा? मैं प्यार करता हूं तुमसे। लड़कियों की कमी नहीं है, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं तुम्हारे साथ। देखो, फिलहाल अभी मुझे अर्जेंट है तो मुझे जाना है, ठीक है? और वो भी सडन, मुझे पता भी नहीं था ऐसा होने को। अच्छा। हाँ। काम हो गया और चल दिए। मेरी बात सुनो, काम हो, ऐसे क्यों बोलती हो यार तू? तो कैसे बोलूं? मतलब मैं सिर्फ इसलिए तुम्हारे साथ रिश्ते में हूँ। तो बिना बताए कौन जाता है? बिना बताए मैं कहाँ जा रहा हूँ बाबू, मेरी मजबूरी, मुझे जाना पड़ेगा। अब सडन मैसेज आया, मुझे जाना है। सुनो, मेरी बात सुनो, सारे टीम मेंबर्स पहुंच चुके हैं, मुझे पहुंचना पड़ेगा। मैं आता हूँ, फिर ढेर सारी बात करेंगे, जो भी बोलना है बोलना। फिर तुम्हारे लिए बस काम ही ज्यादा मायने रखता है क्या? मैं कुछ नहीं हूँ तुम्हारी। काम की बात आपको ना, अगर काम नहीं देखूंगा तो ये सारी चीजें कैसे मैनेज होगी? मुझे कुछ नहीं पता। मुझे आपको पता है ना कि लड़की की लाइफ में कितने स्ट्रगल्स होते हैं। दो मिनट में मेरी बात खत्म हो जाएगी। नेक्स्ट टाइम नहीं हो सकती? नहीं। ओके बाबा, चलो बोलो क्या बोलना है, बोलो क्या बोलना है। तुमने कहा था कि 6 महीने बाद हम शादी करेंगे और हमको इतना टाइम हो गया है रिलेशनशिप में, हम शादी कब करेंगे? शादी तो करनी है ना, और वैसे मैंने सोचा नहीं है, लेकिन अगर करनी भी होगी ना तो सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए कर लेंगे, लेकिन फिलहाल नहीं, बहुत सारे काम है। खुशी के लिए क्या मतलब? मतलब शादी खुशी के लिए होती है क्या? नहीं बाबा, खुशी के लिए नहीं होती है, पर क्या? अभी सब कुछ ठीक चल रहा है ना, क्या प्रॉब्लम? क्यों शादी जैसे उलझनों में क्यों उलझना? देखो कैसे समझाऊं, मैं ना तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या मजाक कर रहे हैं ना? सच में मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। क्या तुम मजाक कर रहे हो ना? क्या मतलब क्या? तुम मजाक कर रहे हो ना? नहीं, मैं मजाक क्यों करूंगी? अरे पागल, ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता? तुमने पहले तो कभी जिक्र नहीं किया इस चीज के बारे में। हाँ तो मुझे भी अभी पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखो ऐसा करो, अगर ऐसा हो गया है ना, वैसे तो पता नहीं, मुझे लग रहा है ना सब ऐसा कुछ मजाक से चल रहा है, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो गया है ना तो चलो हम लोग एडवोकेट से। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, किसी और के नहीं, जो अबॉर्शन करा देंगे। बाबू मेरी बात समझने की कोशिश करो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन फ्यूचर कभी कुछ नहीं होगा, अभी बहुत सारे काम है, फैमिली प्लानिंग कभी और कर सकते हैं, शादी कभी और कर सकते हैं, अभी कितनी अच्छी चल रही सारी चीजें। इसका मतलब तुम मुझसे भाग रहे हो, मुझसे अपना पीछा छुड़ाना चाहते हो? अच्छा, इसलिए मैं आपके पास हूँ, इसलिए जैसे ही आप बुलाते हो मैं आपके पास आ जाता हूँ। पीछा छुड़ाना इसको कहते हैं क्या? प्यार करता हूँ मैं आपसे। मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें सिर्फ मेरे जिस्म से प्यार है। अगर मुझसे प्यार होता ना तुम्हें, तो प्रेगनेंसी की बात सुनकर तुम खुशी मिलती, ना कि अबॉर्शन की बात करते। तुम मेरी बात को समझ ही नहीं पा रही हो, अगर समझ जाती तो तुम मेरे से आर्गुमेंट करती ही नहीं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी ये सब ठीक नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमेशा के लिए ठीक नहीं है, बस अभी ठीक नहीं है। क्या ठीक नहीं है? अभी सेटल होना है, बहुत कुछ करना है, और शादी वादी में मुझे इंटरेस्ट नहीं है यार, प्लीज। मतलब तुम शादी नहीं करोगे? कुछ ऐसा ही समझो, मुझे चीजों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, शादी बच्चे, आई कांट हैंडल इट, मुझसे कुछ भी हैंडल नहीं होगा। इतने टाइम से तुम मेरे साथ सिर्फ टाइम पास कर रहे थे? इसको टाइम पास नहीं कहते। अगर कोई मर्द बच्चा पैदा नहीं करना चाहता हो
तो वो समझो वो क्या प्लानिंग कर रहा होगा आगे के बारे में, क्या सोच रहा होगा, क्या हमारे बीच में सब सही नहीं चल रहा है। तुम खुश नहीं हो, मैं खुश नहीं हूँ, ये बच्चे आयु शादी कहाँ से आ गई बीच में? मैं लोगों को कैसे पेश करूंगी और मैं क्या बताऊंगी किसका बच्चा है? तुम्हें मतलब मुझसे या फिर लोगों से? कौस तुमसे मतलब है, लेकिन ये समाज, मैं कैसे इन सबके सामने फेस करूंगी? अरे मेरी जान, लोगों ने किसी के बारे में सही कहा है क्या? किसी ने किसी के बारे में सही बोला है क्या? नहीं बोला है। हम गलत हो सही हो किसी को क्या फर्क पड़ता है? मुझे तो फर्क नहीं पड़ता, और तुम्हें फर्क पड़ता है तो तुम देख लो। अच्छा आ गए औकात पे, तुम कितने बड़े नीच हो। तुम्हें क्या लगा मैं प्यार करता हूं तुमसे? लड़कियों की कमी नहीं है, मैं सिर्फ टाइम पास कर रहा हूं तुम्हारे साथ। अगर तुम सुनना ही चाहती हो तो यही सच है। और एक बात, आगे से हम कभी नहीं मिलेंगे। जी सर, हमारी मुझे तुम पे, तुमसे ज्यादा अपने आप पे शर्म आ रही कि मैं तुम जैसे इंसान से प्यार किया। I don't care, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये रोना धोना मेरे पीठ पीछे करना, और फिलहाल मैं चलता हूं। सुनो भगवान, अब मैं क्या करूंगी? इतना बड़ा धोखेबाज, मैं कैसे अपने भैया के सामने जाऊंगा? हाँ ना यार, अरे अभी जस्ट कुछ ही देर पहले आ रहा हूं मैं। साली सामने से बोलती है, वो बोली थी मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है, मुझे शादी करनी है। अब तू खुद सोच ना, अगर मैं ऐसे सबसे शादी करना शुरू कर दूं तो मेरी कितनी बीवियां हो जाएगी और कितने बच्चे हो जाएंगे। हाँ ना यार, वही कह रहा हूं मैं क्लियर हूं, ये मुझे शादी वादी जैसी चीजों में फंसना ही है, ठीक है? क्योंकि भाई ये मेरे से हैंडल ही नहीं होगा। बस मैं अब जा रहा हूं, दूसरी लड़की को पढ़ाऊंगा, कुछ नया चाहिए मुझे। वो सारी की सारी पुरानी है, एक बची हुई थी, ठीक ठाक चल रहा था, ये भी साली बोलती है प्रेगनेंट हो गई, पुराना देखा ना। नहीं यार, अब मुझे एक नई लड़की चाहिए यार, अब हैंडल नहीं होगी। आप लोग कौन? भैया यही है वो। अरे शर्म नहीं आई ऐसी बात, ऐसी हरकत करती है? मैंने तुम मेरे घर में आके मुझे ही चाटे लगा रहे हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत की बात करता है, चाटा नहीं, अभी तुम्हें तुझे उधेड़ दूंगा। जो घिनौना काम किया है ना, तो जूते से मार खाने लायक है, नालायक। क्या किया रे? जो भी किया इनकी मर्जी से, माइंड इट, और मैं कहीं भी गलत नहीं। शर्म भी नहीं आती है ऐसी बात करते हुए? एक तो तूने गलत किया, ऊपर से तुझे एहसास भी नहीं हो रही अपनी गलती का। ये लड़की अपना जान छिड़कती थी, और तू इस सब खिलौना काम करके उसे छोड़ दिया, और अब फोन पे दूसरी लड़कियों के साथ एक ना जाने कितना घर पर बात करेगा तू? सम हया नाम की चीज है कि नहीं तुझे? अगर यही काम तेरी बहन के साथ कोई करता तो तुझे कैसा लगता? तुम लोग को क्या, तुम्हारा तो ठंडा हो गया है, तुम्हारा जमीन मर चुका है। किसी की भी बहन बेटियों को कौन सी निगाह से देखना चाहिए, ये तुम्हें क्या करना है? तुम्हें तो बस अपनी हाउस मिटानी है, एक को धोखा देके दूसरे को पकड़नी है, यही आता है तुम लोगों को। मगर ये नहीं सोचते हो जिसकी माँ बहन बेटी लुटती है, जिनकी इज्जत जाती है, उन पर क्या बीतती है? अब और ज्यादा जलील मत कीजिए मुझे, मुझे तो खुद भी नहीं पता कि मैं कैसे और धरातल में डूबता जा रहा था, गलती पे गलती किया जा रहा।
मैं तुमसे ही माफी मांगता हूँ। और मैंने जो गलती की है, मुझे पता नहीं इसका पश्चाताप क्या है। आप जो बोलो मैं भैया सब करने को तैयार हूँ। एवरीथिंग बोलो तो मैं आपके पाँव पकड़ लूँ, बोलो तो मैं तुम्हारा पाँव पकड़ लूँ, मैं हर चीज करने को तैयार हूँ। देखो बोलो मुझे क्या करना है। देखो गलती मानने से और सॉरी बोलने से समस्याओं का हल नहीं निकलता जी। इसके लिए तुम्हें जैसे इसका संसार बर्बाद किया ना, वैसे ही तुम्हें इसे सही करना पड़ेगा, तुम्हें इसके साथ विवाह करना पड़ेगा। समझ गया भैया, मैं तैयार हूँ इनसे शादी करने के लिए। मैं इनसे शादी करने के लिए तैयार। ठीक है, आप अभी बोलो तो मैं अभी शादी करने के लिए तैयार। आप जैसे चाहो, आप चाहो तो अभी मंदिर चल के मंदिर से शादी कर सकते हैं। हर इंसान के अंदर दिल होता है, हर इंसान का जमीन मरा नहीं होता है। देखो ये भी लड़का बुरा नहीं है, आज इसको अपनी गलती का पछतावा हुआ है। मैं तुम दोनों की शादी करा देता हूँ, खुशी खुशी अपना जीवन बिताओ। और हाँ, इनकी पुरानी गलतियों को माफ कर दो, जो हुआ सो हुआ, से माफ कर दो। बाकी तुम दोनों के साथ मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा। सदा सुखी रहो।